ITDS ओपन 2020 में रोमांचक मुकाबलों में बड़ा एक टूर्नामेंट की अवधि तीसरे दिन रात में सिर्फ 5 सिग्नल्स के मुकाबले खेले जा सके। संघर्षपूर्ण लंबे मुकाबलों के कारण दो दिन बड़ा एक टूर्नामेंट अवधि 27 को होगा समापन। खंडवा निमाड़ क्लब स्थित टेनिस कोर्ट पर चल रहे TDS ओपन 2020 टेनिस टूर्नामेंट दिन ब दिन रोचक होता जा रहा है। जहां एक दिन में 18 से 20 मुकाबलों का लक्ष्य रखा गया था, वहीं रोमांचक और लंबे मुकाबलों के चलते सोमवार को सिर्फ 5 मुकाबले ही खेले गए। इसके चलते टूर्नामेंट में दो दिन की बढ़ोतरी कर दी गई है। टूर्नामेंट का समापन अब 27 नवंबर को होगा। एचिव टेनिस डेवलपमेंट सोसाइटी और खेल विभाग द्वारा आयोजित ITDS ओपन 2020 टेनिस टूर्नामेंट के तीसरे दिन सिर्फ 5 मुकाबले हो पाए। टूर्नामेंट संयोजक और खेल और युवा कल्याण विभाग के टेनिस कोच अमीन अहमद ने बताया, पिछले मुकाबले बेहद संघर्षपूर्ण व रोमांचक थे। टूर्नामेंट में हर्ष यादव ने शिवम कुरापा को 7-0 से, विज्ञात गुप्ता ने यश वर्मा को 7-3, यश वर्मा ने हर्ष यादव को संघर्षपूर्ण मुकाबले में 7-6, 8-6, तनिष्क को टोक्से ने हर्ष यादव को 7-3 से तथा इतिश यादव ने हर्ष यादव पर 7-3 से जीत हासिल की। खंडवा से प्रीतम लखवाल की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।